मैं यार ये ऐसी जली कटी बात क्यों कर रही हूँ। बड़े कुछ लोग हैं जो भाई मेरी नज़र में तो खैर जीरो ही है, मेरे सामने आ गई एक मिनट भी बेइज्जती करने में टाइम नहीं लगाऊंगी मैं बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत मेरे लिए स्पेशल है, मेरे लिए और शायद आप सब में से किसी एक के लिए भी स्पेशल हो। एक दो कुछ है ऐसे जिनके लिए स्पेशल हो सकता है, नाम नहीं लूँगी, नाम लूँगी कभी अगले किसी व्लॉग में अगर कोई नहीं मानेगा तो। अब आप सोच रहे हो कि मैं यार ये ऐसी जली कटी बात क्यों कर रही हूँ, मतलब व्लॉग बनाना है तो सीधे तरीके से क्यों नहीं बना रही हूँ। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रही थी अभी तक। ना बनाने का रीज़न बताती हूँ, पहले ना बनाने का रीज़न है कि मेरी बड़ी बेटी हिमानी, उसके एग्ज़ाम्स हैं हाफ ईयरली, जिनको अगर थोड़ी बहुत सेंस या नॉलेज हो तो वो लोग जानते हैं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक बच्चे के लिए। तो बस उसकी प्रिपरेशन की वजह से फ़ोन उसके पास रहता, और मैं नहीं चाहती कि मैं इधर उधर कैमरा लेके घूमूं, मेरे बच्चे की पढ़ाई पे फ़र्क पड़े या कुछ भी, मैं वो चीज़ अवॉइड करती हूँ। मेरे लिए पहले वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद अपना कोई शौक। तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो है ये एक मेन मोटा मोटा एक रीज़न है, और दूसरा कि और हाँ, ये अभी पूरे सेप्टेम्बर यही रहेगा मेरा शेड्यूल, उसके बाद अक्टूबर से कंटिन्यू 5 अक्टूबर से, उसके जब एग्ज़ाम्स बिल्कुल हो जाएंगे ख़त्म, कुछ दिन की छुट्टियां पड़ेंगी, तब व्लॉग धड़ा धड़ा आने लगेंगे। और अभी तो खैर ऐसे ही इसी रेंज में ही आएंगे कि 10 दिन में एक बना लिया, 8 दिन में एक बना दिया, हफ्ते में एक आ गया, मतलब यही एवरेज रहेगी मेरी। और दूसरी बात कि हमारे ना थोड़ा सा घर में कुछ काम स्टार्ट होना है, तो इस वजह से भी एक ये है कि इधर उधर कभी सामान सही करना, और एक फंक्शन है तो फंक्शन हाँ है तो उसी के लिए एक मतलब तैयारी चल रही है, तो मैं आपको वो तभी बताऊंगी, वो अभी नहीं। तो उस तैयारी में मैं आपको अपने व्लॉग के साथ शामिल करूंगी, जो जो मतलब घर में एक्टिविटी होगी। और गाइज हाँ, जो भी मतलब हम घर में एक मैं अपना बिफोर आफ्टर वाला आपको सीन दिखाऊंगी, और जो नंबर होगा जिनसे हम ये काम कराएंगे भाई हमारे, उनका मैं वो नंबर भी आपको मेंशन करूंगी। तो एक बार आप पहले काम देखना, फिर मैं आपको साथ ही साथ अपना होम टूर भी दूंगी। और ये तो हो गई, एक होती है ना हेडलाइंस, ये तो हो गई हमारी आज की हेडलाइंस। अब आते हैं हेडलाइन नंबर 1 के मुद्दे पे। तो मुद्दा मेरा ये है आज का कि मेरे व्लॉग बनाने से बड़े कुछ लोग हैं जो भाई मेरी नज़र में तो खैर जीरो ही है, सच बताऊँ तो। वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, व्हाट्सएप तक रह गए हैं। अब मेरे घर वालों ने जो मेरे को फ्रीडम दे रखी है, जो मेरे साथ वो इतने अच्छे बॉन्डिंग में हैं, उस सब चीज़ को देख के फुकना कह सकते हैं कि फुकरे हैं या जो भी कहते ना, एक वो कहावत है कि अंगूर खट्टे, वो लोमड़ी वाली कहावत आपने सुनी होगी, कहानी जो स्टोरी है कि लोमड़ी के हाथ अंगूर नहीं लगे तो वो खट्टे थे। तो बस वही है कि जो चीज़ अपने पास नहीं है तो वो बुरी है, दूसरे के पास है तो उसकी मौज देख के कहाँ किसी को बर्दाश्त हो रहा है। और रही बात अगर मैं व्लॉग, सबसे पहले तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे को ये बता दो जो जो लोग जानते हैं कि व्लॉग का मीनिंग क्या है, व्लॉग व्लॉगर मीनिंग क्या होता है, व्लॉग मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये एक सोशल मीडिया का सीन रहता है कि यार हम अपनी एक्टिविटीज़, हम अपना मतलब सब चीज़ें दिखाएं पब्लिक को, पब्लिक हमें किसी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस, हमें समझे कि हाँ यार वो ऐसे करती है, उससे गाइडेंस मिले या जो भी, ये चीज़ होती है। मैं मेरी फैमिली के साथ बहुत नीट एंड क्लीन व्लॉग बनाती हूँ। मेरे अभी तक के 350 व्लॉग मतलब वीडियोस में से मुझे कोई ये तो कह दे कि तेरे इसमें गलत है, या तूने कुछ अडल्ट दिखाया है, या तूने कुछ ऐसा कर दिया कि जो नहीं करना चाहिए था, कोई एक सिंगल व्लॉग मेरा, मेरी देवरानी का, हमारे दोनों के चैनल है, कोई एक बंदा एक चीज़ तो निकाल के दिखा दे, तो ये गारंटी तो मैं ले रही हूँ। और मेरे साथ साथ और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो भी मेरी वीडियोज़ होती है,
सबसे पहले जो एक रीचेकिंग होती है ना किसी चीज की, मैं अपनी उससे नहीं कि हाँ मैंने जो बनाया मैंने वो अपलोड कर दिया, मैंने कर दिया, मैं सबसे पहले जजमेंट लेती हूँ अपने खुद के हस्बैंड का कि यार आप देखो, और हालांकि उन्होंने सब चीज मेरे ऊपर छोड़ रखी है, पर फिर भी मैं उनको बोलती हूँ कि एक बार आप चेक कर लो, कोई ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो कुछ गलत हो या अच्छा ना लगे। और सच में बता रही हूँ, आज तक कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं प्रिया ये हटा दे, ये मत कर, इसको मत डाल, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें पता है हमारी कौन सी क्या लिमिट है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी कुछ नमूने ऐसे आ रहे हैं कि क्या कर रही है वो, क्यों कर रही है, क्या जरूरत पड़ी है उसे करने की, जरूरत पड़ती है तो करते हैं। कैरी मिनाटी को जरूरत है वो तब कर रहा है, कैरी मिनाटी आधे से गवार तो जानते ही नहीं होंगे, और आज तो मैं वर्डिंग यूज करूंगी क्योंकि मेरे लिए भी वर्डिंग यूज करी गई है, ठीक है। जिसने करी है उसको पता है कि व्लॉग का मीनिंग क्या होता है, गूगल सर्च करके देख लो एक बार व्लॉग क्या चीज होती है। उन्होंने समझा है कि मतलब कि उन्होंने मेरे चैनल, मैं आपको बताती हूँ, हाँ एक चीज और, मेरे चैनल को जिसको सब्सक्राइब नहीं करना ना, तो मैं आपको खुद कह रही हूँ, आप प्रियाज व्लॉग लिखेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है तो उसको अनसब्सक्राइब कर देगा, जो मुझसे दिक्कत खा रहा है, जिसको मेरे व्लॉगिंग पसंद नहीं है, बेशक कर देना। मैं एक बार भी ये नहीं सोचूंगी अरे मेरे सब्सक्राइबर कम हो गए हैं, अरे अच्छा है कबाड़ा निकलेगा, बढ़िया है निकलो, आना भी मत देखना भी मत। मैं किसी के आगे मैंने आज तक गिड़गिड़ाई नहीं हूं कि आ जाओ ये कर लो वो कर लो, आज तक भी जो जेन्युइन बंदे हैं ना उन्होंने मेरे साथ व्लॉग में आके मुझे बोला है कि हाँ ये हमारी है, इसने ऐसे बनाया ये वो, सपोर्ट करने वाले लोग जेन्युइन लोग, अच्छे नीट एंड क्लीन लोग अलग हैं, और जो एवं ही है ना गवार, वो गवार ही रहेंगे। अपनी घिसी पिटी लाइफ पे उस पे फोकस दो, मेरे मैटर में मत घुसो, साफ कह रही हूँ। और अब बिगाड़ लेने में कुछ भी बिगाड़ लो, जाओ जिसने बोली है उसे पता है कि मैं क्यों कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, किसके लिए कह रही हूँ, और ज़्यादा 3-5 करी तो किसी दिन नाम लेके भी बोल दूंगी। और दूसरी बात ध्यान रखना, जिस दिन मेरे सामने आ गई इतना हिंट दे देती हूँ, जिस दिन मेरे सामने आ गई, चाहे वहाँ पे 10 लेडीज खड़ी हो, चाहे वहाँ एक लेडीज खड़ी हो, चाहे वहाँ पब्लिक प्लेस हो, मार्केट हो, कुछ भी हो, एक मिनट भी बेइज्जती करने में टाइम नहीं लगाऊंगी मैं बिल्कुल भी, पहले ही कह रही हूँ साफ, ठीक है ना। और अब ये ना हो इसको क्या पता, इसको कैसे पता, इसको कैसे पता, सब पता चल जाता है, कौन क्या देख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कितना किस फेक आईडी से काम कर रहा है, सब कुछ मेरी समझ में आती सब चीज़। ये फ़ोन जो है ना ये ऐसे खाली बस कैमरा शूट लेके करने में, इन चीज़ों में नहीं होता, इसमें A to Z ये पता चल जाता है कि कितने मेल मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कितनी फीमेल मेरा व्लॉग देख रही है, कौन नॉन सब्सक्राइबर है, कौन सब्सक्राइबर है, कितने लोगों ने आज किया है, कितनों ने नहीं किया, सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन मेरा कोई ये बिजनेस नहीं है जिसके लिए मैं गिड़गिड़ाऊंगी किसी के आगे, अरे सब्सक्राइब कर लो, अरे ये कर लो, अरे वो कर लो, मुझे तो बहुत जरूरत है, भगवान की दया से मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना टाइम पास करने के लिए करती हूँ चीज़ें, मैं वीडियो बना रही हूँ अपना टाइम पास करने के लिए, 0 सब्सक्राइबर हो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक मिनट का भी। मुझे मेरे घर वालों ने एक बार भी मना नहीं करा, उन्हें पता है कि हाँ कोई बात है, उसको मन कर रहा करने दो। और रही बात जो मैंने अपनी उस प्रॉब्लम की बताई थी, जिन्होंने मेरा वो व्लॉग देखा है, और हालांकि उनसे कहूंगी कि उन्होंने देखा ही क्यों, जब उन्हें ये लग रहा है कि मैं उन्हें ये चीज बता रही हूँ तो उन्होंने देखा क्यों, देखना ही नहीं चाहिए था ना, देखने की कही किसने थी तुमसे, देखना ही मत अब आगे से। और गवार लोगों, थोड़ी बुद्धि लगाओ, उसको जाके दोबारा से देखो उस व्लॉग को, उसमें मैंने तुम्हारी ही नॉलेज के लिए 2 बातें बताई हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो डाउट ये आता है
एक सिर्फ एक लेडीज की नॉलेज के लिए, क्योंकि जो चीज मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम फेस करी थी वो मैंने शेयर करी है। और जब आप सोशल मीडिया चलाते हो तो आप 36 लोगों को देखते हो कि हाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बताता है। कितनी चीज मुझे खुद को इंस्टाग्राम से पता चलती है कि अच्छा ये चीज ऐसे है, कितनी सारी चीज होती है। यूट्यूब पे हम और चीजें सर्च कर लेते हैं। अब हाल ही में मैं आपको बताती हूँ, जिस मैं अभी भी आप लोगों से पूछूंगी यार जो लड्डू गोपाल के कपड़े होते हैं जैसे कि जो पुराने हो जाते हैं उनका क्या करना चाहिए, मतलब उनको मैं दोबारा नहीं पहनाना चाहती तो मैं उनको मतलब क्या करूं। देखो ये चीजें फेंकी नहीं जाती, ये मंदिर में नहीं दी जाती, तो इनका क्या करना है, इनको विसर्जित करना होता है कहीं पे या क्या करना होता है, वो मुझे नॉलेज नहीं है। उसके लिए मैंने खुद ने यूट्यूब में सर्च किया। अगर वही चीज अगर मैंने एक अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर मैंने कोई चीज किसी को बताने की कोशिश करी तो वो इतना राई का पहाड़ बन गया, उसका इतनी दिक्कत आ गई कि ये बात बता रही है। हाँ मैं ये बातें बता रही हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है ना तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैं बता क्यों रही हूँ, समझ आई। भगवान ना करे कि किसी को हो, लेकिन अगर हो तो क्या पेशेंस लेवल होने चाहिए, क्या चीज़ कैसे हैंडल करने आनी चाहिए। और सच बताऊँ ना, मेरे उस दिन मुझे उस व्लॉग में पता चला था कि वेल विशर कितने हैं। ये फालतू के जो गवार हैं इनको तो मैं गिनती नहीं हूँ, ये तो मेरी क्लास के अकॉर्डिंग ही नहीं है। इससे बड़ी बात और क्या बोलूँ कि मेरी क्लास के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है वो लोग, मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ जो थे उन्होंने जेन्युइनली मेरे से बहुत अच्छे से इतने प्रॉपर तरीके से बात की है कि अच्छा ये चीज़ हमें भी हुई थी, ये इसमें घबराना नहीं चाहिए। उनको नॉलेज है ना, तभी उन्होंने बात करी ना, वो दम रखते हैं ना, उनको समझ में आया वो व्लॉग, उनको वो व्लॉग भी समझ आया था, तभी उन्होंने कॉल मैसेज डीएम किए थे। इसीलिए ऐसे नहीं कि अरे तू आ जा तेरे से मैं बतलाऊँ, उसको ये करने की क्या जरूरत है, उसे वो करने की क्या जरूरत है, तुम्हें पूछ के करूँगी मैं, तुम लोगों से पूछ के करूँगी क्या। और ये चीज़ मैं क्लियर इस व्लॉग, ये कोई व्लॉग नहीं है पहली बात, ये मेरा अपना जो मन का भड़ास निकला हुआ है ना वो है, ये एक मैसेज है। तो ये मैसेज मेरे को तुम्हारे तक पहुंचाना था कि मेरे व्लॉग के लिए अगर मैंने आगे से दो शब्द भी फालतू के सुने, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही जिगरा है तो मेरे को कमेंट करके बोलो ये बात, कमेंट के थ्रू बताती हूँ फिर मैं तुम्हें। कमेंट में मेरे को एक ऐसा व्लॉग बता दो कि भाई ये तेरा गलत है, इसमें तूने ये कर दिया, करो कमेंट, मैं दूंगी उसका जवाब। फिर कोई भी व्लॉग गलत नहीं है, मेरा एक सिंगल व्लॉग तो गलत हो मैं गारंटी ले रही हूँ उस बात की। और तुम्हें लगता है तो भाई मत देखो, तुम्हें बुरा लग रहा है ना मत देखो, किसने कही है तुम्हारा फोन खोलते ही अगर मैं आ रही हूँ तो क्यों देख रहे हो तुम, मत देखा करो मेरे को, किसी ने बोला है? फोन खुलने पे अगर मेरी वीडियोस चलती है तो इसका मतलब सब्सक्राइब कर रखा है, अनसब्सक्राइब मार दो, इसका मतलब मैं तुम्हारी रीच पे बैठी हूँ। बिल्कुल रीच मीन्स कि तुम मुझे ही देखते हो, तो देखते ही क्यों जब मैं इतनी बुरी लग रही हूँ, तो मत देखो। तो गाइज ये जो व्लॉग मैंने अभी ये जो वीडियो शूट किया है, मैं इसको व्लॉग का नाम ही नहीं दे रही अब, ये जो मैंने वीडियो शूट किया है ना ये सिर्फ मैंने कुछ हेटर्स के लिए करा है, कुछ जो कमेंट बॉक्स में नहीं आते बोलते नहीं है, वो पीठ पीछे बोलते हैं, अंट संट इधर की उधर से आती है बातें तब पता चलता है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो मेरे जेन्युइन हैं प्लीज़ आप लोग तो बिल्कुल इग्नोर कर देना इन सब चीज़ों को। बाकी कभी भी मैं अगर आपको कोई व्लॉग बना रही हूँ और लास्ट में अगर मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ ये, तो उसको मेरे को कमेंट में बता देना। और हमेशा ही कहती हूँ मेरे हिसाब से, तो चाहे आप कोई भी व्लॉग उठा के देख लो, और मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी थोड़ा सा भर गया इन फालतू की इनको सुनाते सुनाते बातें, तो बस मैं जिनको मैसेज देना था उन तक पहुँच जाना चाहिए। और आई होप कि आगे से फालतू की बकवास मेरे सामने ना आए। थैंक यू सो मच गाइज जो व्लॉग देखते हैं, जो समझते हैं कि व्लॉग और व्लॉगिंग क्या होती है, क्या मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, बाय।